मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में प्रतिभा की रियल दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और हम लग गए हैं अपने कामों में, जो कि हमारा रोज का काम रहता है। हमारा जो जॉब है एक औरत के लिए, गृहिणी के लिए, अपनी जो भी माताएं बहनें होती हैं, और यहाँ पे ये कब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लाडो नहीं उठ रही हैं। और हम नहा के आ गए हैं तो क्रीम वगैरह थोड़ा सा लगा लेते हैं, इसके बाद चलेंगे हम किचन में, बनाएंगे इन लोगों के लिए नाश्ता और हम भी साथ में करेंगे। और रियाज यहाँ पे कुछ सवाल जवाब, उनको ना हर चीज़ की ना बहुत ज़्यादा मीन्स नॉलेज चाहिए, जो है वो ब्रेड के ऊपर हो गया या उस पर जो डेट रहता है उसको लेके हो गया, मतलब किसी चीज किसी भी टॉपिक पे के ऊपर वो आराम से 2-4 घंटे तक बात कर सकता है। तो कभी कभी बहुत ना वो इरिटेटिंग भी हो जाता है, तो बीच में मैं चिल्लाने भी लगती हूँ कि तुम मतलब क्या बाल की खाल निकाल रहे हो, बात किए जा रहे हो, थोड़ा कम बात करो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो हमेशा की तरह जो हमारा सैंडविच रहता है वही है, कुछ चेंज नहीं है। जो मैं बनाती हूँ मेयोनीज का सैंडविच, थोड़ा सा डालती हूँ सेजवान सॉस और काकड़ी प्याज और हरी धनिया, सिर्फ यही सब्जी में रहता है। इसके बाद जो सॉसेस वगैरह रहते हैं, जैसे सेजवान सॉस हो गया, थोड़ा सा काली मिर्च, तो फ्रेंड्स बन रहा है, पहले इन लोगों को दूंगी, इसके बाद मैं भी नाश्ता करती हूँ। स्कूल का टाइम, तो मैंने फटाफट इनको रेडी कर लिया, मैंने साड़ी पहन लिया है, बट अभी न बाल बनाया है न थोबड़े पे मैंने कुछ भी टचअप किया है, जो कि वो करना तो बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मेरे थोबड़े के हिसाब से, तो वो अभी बाकी है। मैं फटाफट इनका बाल बना ली, क्योंकि फ्रेंड्स समय जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे काम करते हैं। एक बार साड़ी पहन लेते हैं, इसके बाद लाडो को बीच बीच में रेडी करना, उनका टिफिन वाटर बॉटल रखना, उनका जो है आयन करना यूनिफॉर्म, ऐसे ऐसे बीच में चलता रहता है। और आप सबको अगर हमारा ब्लॉग देखते होंगे तो पता है कि लाडो तीनों टाइम जो घंटा लगाती है खाना खाने में, सबसे बड़ा तो काम वही है उसका। तो लाडो को हम रेडी कर लिए, अभी इनका सॉक्स भी बचा है, यही पहना लेते हैं, इसके बाद चलेंगे हम। थोड़ा सा टाइम बीच में दिखा तो मैं रात से बोली कि फटाक से मैं रेडी भी हो जाती हूँ, बाल वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि हमको बनाना है वीडियो, इसके लिए हमने साड़ी पहना है। और ये साड़ी कैसा लग रहा है आप सब ज़रूर कमेंट्स करिएगा, ज़रूर बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो हो गया हमारे थोबड़े का रिपेयरिंग, जो कि आप सब देख सकते हैं, और मैं अभी बस फाइनली निकलने वाली हूँ। तो राज को मैं बोली चलो पीछे पीछे फटाक से आओ, और जाते ही हॉल में हमने पहले लाइट वगैरह ऑन किया, इसके बाद कर्टन सब हटाया, क्योंकि बाहर का थोड़ा उजाला चाहिए वीडियोज़ बनाने के लिए। इसके बाद हमने उठाया जो हमारे देवता हैं, जो हमारे स्टैंड हैं, देवता को उठा के बाहर। और फ्रेंड्स हमको लगा दो घंटे में हमने बनाया, आप देख सकते हैं कितना अस्त व्यस्त हो गया है रूम, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ, हो गया हमारा वीडियोस बना के। और यहाँ पे राज को मैं चिढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारा चलते रहता है, लगता ही नहीं है बेटी तो गई है स्कूल, माँ बेटे हैं ऐसे, मतलब नोकझोंक चलते ही रहता है। और इसके बावजूद जो दीदी हैं सुशीला दीदी, उनके साथ भी हमारा चलते रहता है, उनके साथ भी हंसी मजाक, उनको मतलब कुछ भी किसी बात पे छेड़ना, किसी बात पे कुछ भी बोलना, वो भी हमारे साथ हंसती हैं। तो फटाफट यहाँ से हम सेटअप पहले गायब करते हैं, और दीदी एक बार बीच में आई थी और जैसे दरवाज़ा खुली बोली अभी टाइम है क्या, फिर मैं आती हूँ दूसरे के इधर से, तो दीदी चली गई, लेकिन फाइनली दीदी आ गई। और यहाँ पर मैं स्टाइल मारते हुए थोड़ा सा कॉमेडी करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, जो है यहाँ पे दीदी के साथ भी मैं कॉमेडी कर रही थी, तो दीदी भी हंस रही थी, और दीदी को भी बहुत मज़ा आता है जब हमारे यहाँ आती हैं। इसके बाद कुछ ज़रूरी कॉल्स आए थे, मैसेज आए थे, और हमारा शाइन मारना छूट ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी, सच में बहुत ज़रूरी है ऐसे रहना, क्योंकि ज़िंदगी में ना हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है ना तो बहुत खुश होने के बाद मिलता है। जो बोलते हैं ना कि रातों रात इंसान जो है रातों रात कैसे नसीब बदल गई, तो जो दूर से ये पता चलता है रातों रात नसीब बदल गई, लेकिन वो रात नसीब बदलने में जो जितनी उतनी रातें काटी हैं ना, जितनी रातें दुख से बिताई हैं, वो किसी को नहीं पता होता है। तो लाडो का हमने लिया था शॉर्ट्स के लिए, लिया था पर्स उसका, वो सब हैंडल निकाल के, तो पहले वो रख देती हूँ मेरी लाडो पहले देखेंगे, तो फिर। और यहाँ पे
हमने लगाया इसके बाद, क्योंकि बाल बहुत उलझे लग रहे थे, तो हमने पेस्ट बनाया दही और थोड़ा सा उसमें हल्दी डाला। बाल फ्रेंड्स इससे बहुत स्मूथ होते हैं और बाल ग्रो भी होता है इससे, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, जो ट्राई कर सकते हैं आप सब। मैं तो करती हूँ जैसे टाइम मिलता है, लेकिन लेट हो गया है, इस टाइम 4 बज रहा है, लेकिन 3 या 4 ऐसे कुछ हो रहा है, बट मैं लगा रही हूँ। और दही कैसा ना खट्टा रहता है, और जब बाल में लगाते हैं इतना ज़्यादा उसमें से निकलता है पानी ना, कि परेशान हो जाते हैं उसको पोसते पोसते, सिर की गर्मी फिर वो निकलने लगती है, बट बाल बहुत हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी बैठना ही पड़ेगा मुझे आधा एक घंटा तक, क्योंकि मैं 40 मिनट 45 मिनट ऐसे कुछ लगती हूँ। और फिर हो गई है शाम, लाडो स्कूल से भी आ गई हैं, उनका चेंज वगैरह हो गया, बहुत सारा काम होने के बाद फिर हमने लाडो को चाहिए था चाय ब्रेड, वो सुबह ही बोली थी, मैं बोली बेटा अभी ये वाला खा लो, शाम को आप आओगे स्कूल से आपको पक्का मैं चाय और ब्रेड सेक के दूंगी। तो ये उनके लिए प्लेन है, और हमारे लिए एक सैंडविच जो कि आपने देखा, ये लाडो का हो गया। इसके बाद मैं मेरा लेके जाऊंगी, मेरा स्नान वगैरह हो गया है, हेयर वॉश करके हो गया है, तो थोड़ा सा लगता है ना बाल धुला, और सर्दी का टाइम है, दही लगाया था, तो चलो चाय पी लेते हैं। तो हमने भी लिया चाय, और ये रहा हमारा सैंडविच। इसके बाद राज को जाना था बाहर, थोड़ा सा कुछ सामान लाना था, तो मैं बोली कि जाओ आप लेके आओ, तो वो निकल रहे हैं फ्रेंड्स सामान लाने के लिए, वो जब तक लेके आते हैं तब तक, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई है, काफ़ी समय हो गया है ये, तो मैं उसको बाबू को बोली जाओ लेके आओ। और लड्डू का खाने पीने के बाद इनका हो रहा है अभी स्टडी, जो कि इनका होमवर्क है, बड़ी मुश्किल से होता है, बेचारी का स्कूल का भी रहता है, ट्यूशन का भी रहता है, बट मैनेज करती है। यहाँ पे ये रूम में थोड़े कपड़े, थोड़े ये रूम में कपड़े, अभी दिया बाती करना है, तो फ्रेंड्स सब समेटूंगी मैं, रूम भी ठीक करना रहता है बीच बीच में काम के साथ। और यहाँ पे शाम हो गई है अभी, तो कपड़े वगैरह घड़ी करूँगी, लाडो बैठी पढ़ाई करने, राज गए हैं कुछ बाहर से लाने, और किचन में हमारा इंतज़ार कर रहा है बर्तन, जो कि सबसे बड़ा काम लगता है यार, बर्तन धुलने हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, ये सूखा हुआ बर्तन लगाना है और गीला हुआ बर्तन धोना। तो हम अभी टूट पड़ने वाले हैं समोसा के लिए, तो फ्रेंड्स बर्तन वगैरह धुलते समेटते हम आ गए, हस्बैंड कुछ भाजी लाए हैं वो साफ कर रहे हैं, और हम लोगों के लिए लाए हैं समोसा, जो कि हम अभी पेट पूजा कर रहे हैं फ्रेंड्स, और चटनी उसका खुली नहीं, बहुत टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता होगा, हमारे वीडियोज पसंद आते होंगे। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस थैंक यू सो मच, आप सबका सपोर्ट, आप सबका साथ ऐसे ही बना रहे, बस यही ऊपर वाले से कामना करती हूँ। बाय बाय, गुड।